ओके देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो है डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल्स। ये जो आपका टॉपिक है इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है, एक या दो न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डैम्स आपको पता है डैम्स क्या होते हैं, यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, किसके लिए, फॉर पावर जनरेशन, आप सबको पता है, ठीक है। डैम क्या होती है, एक वॉल होती है बेसिकली, है ना, कंक्रीट की वॉल होती है जिसको जिस पे हम जिसके साइड पे हम वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है, उस वाटर को फिर हम यूज़ करते हैं फॉर पावर जनरेशन। और दूसरा जो है रिटेनिंग वॉल, ये भी आपको पता ही है, रिटेनिंग वॉल ये आपने देखा कि रोड के साइड्स पे होती है मोस्टली हिली एरियाज़ में, जहाँ पर जैसे मतलब ये है अगर रास्ता है तो यहाँ पे ये वॉल बनी है, इधर अर्थ है, सॉइल है, पत्थर वगैरह हैं, ठीक है, रॉक्स हैं, इधर रोड है, तो ये इसका फंक्शन क्या होता है वॉल का, ये प्रिवेंट करती है इस अर्थ को या सॉइल को या रॉक्स को यहाँ फॉल होने से प्रिवेंट करती है, तो ये होगी रिटेनिंग वॉल। तो कह सकते हो इट इज़ यूज्ड टू रिटेन अर्थ, ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू रिटेन अर्थ। कहाँ मोस्टली, मोस्टली इन हिली एरियाज, हाँ मोस्टली क्या होता है हिली एरियाज में, ठीक है। ये भी हो गया डैम्स, ये है दोनों का देखने में दोनों की मिलती जुलती कंस्ट्रक्शन है, डैम थोड़े लार्ज साइज़ के होते हैं, रिटेनिंग वॉल थोड़ी स्मॉल साइज़ की होती है, ठीक है। तो हम एनालाइज करेंगे जो हमने इसेंट्रिसिटी पढ़ा था इसका इफेक्ट क्या पड़ता है डैम्स और रिटेनिंग वॉल्स पे। ये आपका इसेंट्रिसिटी वाला चैप्टर ही है ना जिसमें कंबाइंड स्ट्रेस लगता है, ठीक है, कंबाइंड मतलब डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों, फिर हमने रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाला था, ये उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डैम्स। अब डैम्स बेसिकली हमने जस्ट मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ बार बार से कि डैम्स जो बेसिकली दे आर टू टाइप्स, रेक्टेंगुलर ट्रपीजियम शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं या ट्रपीजियम शेप के होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप को पता है ऐसे होती है, ट्रपीजियम शेप इट्स लाइक दिस, ट्रपेजॉइडल या ट्रपीजियम, ठीक है। अब डैम्स आर मोस्टली ऑफ ट्रपेजॉइडल शेप क्योंकि इसका बेस ज़्यादा होता है, ठीक है, ये भी स्लांटिंग वॉल होती है इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ जो ज़्यादा होती है ट्रपीजियम वाले डैम के, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करते हैं रेक्टेंगुलर डैम। इसकी भी एक थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है बट आपको डेरिवेशन समझना ज़रूरी है ताकि आप न्यूमेरिकल कर सको। डायरेक्ट फॉर्मूले में मैं लिखवा सकता हूँ आपको लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो लेट्स मेक ए रेक्टेंगुलर डैम, थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनानी है क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट्स आते हैं। तो डैम का बेसिकली क्या काम होता है, टू रिटेन वाटर, मान लो इस साइड वाटर है, ठीक है। पहले तो मान लो कि डैम की हाइट कितनी है, कैपिटल एच, ठीक है, डैम की हाइट कितनी है, कैपिटल एच, और इधर मैं लिख देता हूँ साथ साथ में, ठीक है, इधर लिख देते हैं, लेट एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ डैम, ओके, बी रख लो इसकी विड्थ, मान लो ये क्या है, बी इज़ द विड्थ ऑफ द डैम, ठीक है। एल जो इसकी लेंथ है जो हमें दिख नहीं रही है, 3D फिगर ने ना लेंथ होगी जो मतलब कि ऐसे वट अंदर की तरफ, ठीक है, पेज में अंदर की तरफ लेंथ, इसको हमने यूनिटी लेना है क्योंकि ये इसकी हमें हमारे व्यू में नहीं ना, ये वहाँ हमें दिखती नहीं है तो इसलिए हमें भी दिख क्या रहा है बेसिकली एच और बी, तो एच और बी का रोल देखना है। एल अब याद रखना है, इसमें लेंथ हमेशा यूनिटी लेनी होती है, ठीक है, लेंथ इज लेंथ ऑफ डैम इज यूनिटी, विड्थ ऑफ डैम लेंथ ऑफ डैम आ गया, ये एल है जो कि है यूनिटी, ठीक है। मान लो इसके साथ वाटर जो है, ये है वाटर, ओके, और वाटर की हाइट लेट इट बी
स्मॉल एच. वाटर गेट कितनी होगी? स्मॉल एच. ठीक है. सो हमने कुछ इसमें डेरिवेशंस करनी है. मान लो डेंसिटी ऑफ डैम रो. ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ डैम मटेरियल. उसकी कुछ डेंसिटी होगी ना, गामा. गामा को पता क्या होता है? क्या होता है? स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट ऑफ डैम जो रोजी होता है ना, ये कितना है? गामा फॉर डैम, दिस इज स्पेसिफिक वेट ऑफ डैम. ओके, मटेरियल. इसके अलावा अब एक देखिए, सबसे पहले जो लोड जो एक्ट करेगा वो है वेट ऑफ डैम. ठीक है, वेट ऑफ डैम मान लो वो कितने कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा. अगर ये एक्सिस है तो यहाँ कहीं से W, यहाँ से आएगा W. दिस इज वेट ऑफ डैम. और वेट किसके बराबर होता है? नाउ वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, है ना, मास ऑफ डैम इंटू ग्रेविटी. अब मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी. ओके, तो डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी ऑफ डैम. वॉल्यूम क्या है? डैम का वॉल्यूम क्या है? बी इंटू एच इंटू एल, है ना, बी इंटू एच इंटू एल इंटू जी. ठीक है ना, तो ये आ गया. अब देखो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी हो गया गामा फॉर डैम. ठीक है, इंटू बी इंटू एच, एल तो वन है ना, तो ये आ गया वेट. ये फार्मूला है डैम का वेट निकालने का. ठीक है, गामा फॉर डैम मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर डैम इंटू बी इंटू एच. दिस इज द सिंपल सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द डैम. ओके, अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक, अब ये मान लो ये है प्रेशर, वाटर है, इधर लिख लेते हैं वाटर. ये है वाटर. ठीक है, ये मान लो क्या है? कॉन्क्रीट. तो दो मटेरियल आ गए ना, वाटर और, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होगी. ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि हमने निकालना है कि ये जो वाटर है ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है किसके ऊपर? इस डैम के ऊपर. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला था हाइड्रोस्टैटिक लॉ. ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है थोड़ा सा, और आपको याद होगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ वाटर वेरीज विद डेप्थ. अगर आप डेप्थ बढ़ाते जा रहे हो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, लास्ट में रिलेशन निकाला था हमने, पी इज इक्वल टू रो जी एच. ठीक है, तो मतलब गामा रो जी क्या होता है? गामा फॉर वाटर है ना. अब वाटर ले रहे हैं ना, अब डैम वाली चीज़ भूल जाओ, अब वाटर को ले रहे हैं. तो गामा फॉर वाटर इंटू क्या आएगा? एच. ठीक है, रो इंटू जी आ गया ना, गामा इंटू एच. ठीक है, तो मतलब जब एच ज़ीरो है, एच स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से. तो यहाँ पर पी ज़ीरो है और ये लीनियर वेरिएशन है, एच बढ़ता जा रहा है, पी बढ़ता जा रहा है. तो आपका एक ऐसे एक ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे प्रेशर ट्राइंगल, है ना. तो ऐसे आप दिखा सकते हो कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. डाउनवर्ड जाते जाओगे प्रेशर विल इंक्रीज. सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? यहाँ पे. यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी प्रेशर की? गामा फॉर वाटर इंटू एच, है ना. ओह उल्टा लग गया ऐसे. ठीक है, अब आपको अब ये चैप्टर याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कि जब सबमर्ज्ड सरफेस होता है उसका एक सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, क्योंकि ये प्रेशर है इसका एक सेंटर भी होगा, है ना. तो एक उसके वजह से एक प्रेशर जो है, प्रेशर फोर्स होती है एक, है ना, प्रेशर फोर्स एफ. इस ये जो प्रेशर है इसके वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी इस डैम के ऊपर, इस डैम की वॉल के ऊपर. ठीक है, वो फोर्स मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं. फोर्स का रिलेशन था रो जी ए, एफ इज इक्वल टू रो
जी ए एच बार, ये है फ्लूड मैकेनिक्स का टॉपिक। इसलिए मैं आपको ये मैंने आपको बताया हुआ अच्छी तरह, ये सबमर्ज्ड सरफेस के वाले चैप्टर में था, ठीक है। तो रो फॉर वाटर जी ए एच बार, तो रो जी आ गया, गामा गामा फॉर वाटर आ गया, ठीक है। एरिया कितना आएगा, एरिया एरिया ऑफ ये वाला एरिया ना, एरिया आ जाएगा एच इंटू लेंथ, तो वन है ना एरिया। आप कंफ्यूज मत होना, ये वाला एरिया ले रहे हम इस जिस पे ये प्रेशर एड कर रहा है। तो हाइट इसकी एच, विड्थ कितनी है एल, ठीक है। तो एल वन है और एच बार, अब एच बार मैंने आपको बताया था कि एच बार कैसे निकालते हैं, अगर अगर कोई समोइड सरफेस है, एच बार ऊपर से होता है ना यहाँ से, अगर रेक्टेंगुलर है तो कितना होता है ये, इसका हाफ होता है ना रेक्टेंगुलर, तो ये आ जाएगा एच बाई टू, ठीक है। तो गामा इंटू डब्ल्यू इंटू, लेट मी चेक द रिलेशन, क्या रिलेशन आया है, गामा इंटू डब्ल्यू, तो मतलब ये आ जाएगा गामा इंटू डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय टू, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ जो इस पर फोर्स एक्ट करेगी वॉल पे, ठीक है। और ये फोर्स की पोजीशन कहाँ पे होगी, व्हाट विल द पोजीशन, पोजीशन होगी जो इसका सेंट्रेड होगा ट्रायंगल का, सेंट्रेड यहाँ से बेस से होता है, ऊपर से होता है टू एच बाई थ्री, नीचे से होता है एच बाई थ्री, तो मान लो यहाँ पे कहीं एक्ट करेगी ये फोर्स, इसी को मान लो एक को, ठीक है। दिस विल बी एफ, ये होगी डायरेक्शन, और ये कितना होगा, दिस विल बी एच बाई थ्री, ट्राइंगल का ऊपर से टू एच बाई थ्री होता है सेंट्रॉइड, ये इसका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है सेंटर प्रेशर एक्ट करेगा यहाँ पर, सेंटर प्रेशर पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो है एफ, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर फोर्स। बाकी डेरिवेशन नेक्स्ट में देखते हैं।